कियोस्क संचालक का तामिया चावलपानी मार्ग में हुआ मर्डर, जांच में जुटी पुलिस, 84,000 रुपए का बैग भी गायब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के ऊपर की गई टिप्पणी के खिलाफ जिला भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। छिंदवाड़ा के विकास को लेकर निंदनीय बयान देने की बात पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का फूंका पुतला। मनमानी पर उतरी इंटरनेट सेवा कंपनियां, गाइडलाइन के नियमों की हो रही अनदेखी, शहर में बिछ रहा तारों का मकड़जाल। और छिंदवाड़ा में है देश का एकमात्र हिंगलाज मंदिर, जिले के अलावा दूसरा हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान में। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। माहुलझिर थाना क्षेत्र के बोदल कछार में मंगलवार को कियोस्क संचालक टेकापार निवासी 28 वर्षीय राम उइके के सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या करने की वारदात सामने आई थी, जिसमें मृतक का मोबाइल और रुपयों से भरा बैग भी गायब था। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ FSL और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मौके पर पहुंची थी। इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही SP विवेक अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नेतराम परतेती, सुमेर परतेती और दीपक किशन इरपाती शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पुराने लेनदेन के विवाद को लेकर आरोपियों द्वारा कियोस्क संचालक की हत्या की गई है। उपचुनाव की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति में निक्कर को लेकर महाभारत छिड़ गया है। PCC चीफ कमलनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आमने सामने आ गए हैं और निक्कर को लेकर एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा और जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने स्थानीय फवारा चौक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है, वह निंदनीय है। अरे कमलनाथ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कमलनाथ, मुर्दाबाद कमलनाथ, मुर्दाबाद 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 कमलनाथ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कमलनाथ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कमलनाथ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानी वीडी शर्मा जी जमीन से जुड़े हुए हैं और अपनी मेहनत के दम पर वो आज मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। किसी के तलवे चाटते हुए या किसी के अनैतिक कार्यों में सहयोग करके यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। कमलनाथ जी जिस सीढ़ी से पहुँचे हैं वो सभी को सोचते हैं कि वो दूसरे अन्य राजनीतिक नेता इस तरीके से कार्य करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन में रह करके काम करता है और उनके जैसे गांधी परिवार के तलवे चाट करके यहाँ नहीं पहुँचे। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष को लेकर के जो कमलनाथ जी ने अपशब्द कहे उसका आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पुतला जलाया गया। जिला भारतीय जनता पार्टी भी उनका विरोध करती है। भाजपा युवा मोर्चा और जिला भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय फवारा चौक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन करने के विरोध में जिले के कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पुतला स्थानीय नगर हनुमान मंदिर के सामने दहन किया। कांग्रेसी नेता स्थानीय फवारा चौक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन करने जा रहे थे, लेकिन इस बीच अनगढ़ हनुमान मंदिर के सामने पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके चलते कांग्रेसी नेताओं द्वारा अनगढ़ हनुमान मंदिर के सामने ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन कर दिया गया। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमेशा ही अपने भाषण में छिंदवाड़ा जिले के विकास को लेकर कमलनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। इसी के विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। वीडी शर्मा हर बार छिंदवाड़ा को हीन भावना से देखते हैं। ऐसा लगता है कि छिंदवाड़ा से उनका व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है। कहीं पे भी वो अपने कोई भी प्रोग्राम में कोई भी मंच से वो छिंदवाड़ा के बारे में हर बार गलत ही कहते हैं। कमलनाथ जी के ऊपर हर बार गलत आरोप लगाते हैं और उठपटांग बातें करते हैं कि छिंदवाड़ा को सामने ये दिया, छिंदवाड़ा को वो दिया। छिंदवाड़ा के लिए तो कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी विकास की गंगा बहा रहे हैं और इससे जलन भाजपा के द्वारा हो रही है, भाजपा को हो रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
हर बार छिंदवाड़ा वासियों से बहुत हीन भावना से देखते हैं। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जब छिंदवाड़ा से सब चीज छीनना चाहते हैं, छिंदवाड़ा की विकास गंगा को रोकना चाहते हैं। शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा कंपनियों के तारों को कंपनियों द्वारा मनमाने तरीके से लगाया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में भीषण हादसा हो सकता है। ऐसा ही एक नजारा पंचशील कॉलोनी स्थित पचमढ़ी टावर में देखने को मिला, जहां पर जियो केबल संचालक द्वारा मनमाने तरीके से बिजली के खंभों से तार खींचे गए हैं। बिजली के खंभे से होते हुए 350 मीटर से ज्यादा दूरी पर तारों को बिना किसी सुरक्षा के लटका दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि एक ही बिजली के खंभे से कंपनी के द्वारा 10 से ज्यादा कनेक्शन अलग अलग एरिया में दिए गए हैं, जिसके चलते तारों का मकड़जाल बन गया है। इससे क्षेत्र में कभी भीषण हादसा हो सकता है। क्षेत्रीय नागरिकों ने इस मामले में बिजली विभाग सहित संबंधित अधिकारियों से उचित कार्यवाही की मांग की है। माता हिंगलाज का देश में एकमात्र मंदिर छिंदवाड़ा जिले में है। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। माता रानी के प्रति लोगों की आस्था इस कदर है कि नवरात्र में हर दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मान्यता है कि मां के दरबार में लगाई गई हर अर्जी पूरी होती है। भारत में प्राचीन हिंगलाज मंदिर छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर उमरेड थाना क्षेत्र के अंबाड़ा में है, जबकि मां हिंगलाज का दूसरा मंदिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसके प्रति हिंदुओं के अलावा मुस्लिमों में भी अटूट आस्था है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के कठियावाड़ इलाके में हिंगलाज देवी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। हिंगलाज माता को कठियावाड़ के राजा की कुलदेवी माना जाता था। प्राचीन काल में राजा के वंशजों को जीविकोपार्जन के लिए छिंदवाड़ा आना पड़ा था, तब वे अपने साथ हिंगलाज माता की प्रतिमा भी ले आए और छिंदवाड़ा में एक कोल माइन के पास इसे स्थापित किया गया। तभी से यहां हिंगलाज देवी पूजी जाने लगी। माँ हिंगलाज का दूसरा मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित है, जहां पास में ही हिंगला नदी प्रवाहित होती है। माता का यह मंदिर हिंगलाज देवी शक्तिपीठ के नाम से ख्यात है। हिंगलाज देवी के विषय में ब्रह्म वैतरव पुराण में जिक्र है। मान्यता है कि परशुराम जी द्वारा 21 बार क्षत्रियों का अंत किए जाने पर बचे हुए क्षत्रियों ने माता हिंगलाज से प्राण रक्षा की प्रार्थना की। माता ने क्षत्रियों को ब्रह्म क्षत्रिय बना दिया, इससे परशुराम से उन्हें अभयदान मिल गया था। एक मान्यता ये भी है कि रावण के वध के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने भी हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा की थी। राम ने यहाँ पर एक यज्ञ भी करवाया था। बलूचिस्तान में माता हिंगलाज माता वैष्णो की तरह एक गुफा में बैठी हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाए और भी यादगार, छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद टू व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ, इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ, चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बसों द्वारा निर्धारित मूल्य पर किराया नहीं लिया जा रहा है, इसकी शिकायत मिलने पर बुधवार को ARTO निशा चौहान द्वारा सिवनी रोड पर बसों की जांच की गई, जिसमें उन्होंने अधिक किराया लेने के मामले में 2 बसों पर जुर्माने की कार्रवाई की है, जबकि टैक्स नहीं पटाने के मामले में ARTO निशा चौहान ने एक डंपर और एक ट्रक जब्त किया है। कृषि विभाग के उपसंचालक जितेंद्र कुमार सिंह और आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदनगांव के सह संचालक विजय पराडकर द्वारा बुधवार को जिले के चौरी विकासखंड के ग्राम बका नागनपुर में प्रगतिशील कृषक नवीन पटेल के खेत का निरीक्षण किया गया। कृषक के खेत पर मक्के की फसल की तुड़ाई करने के बाद मक्के की फसल को रोटावेटर चलाकर खेत तैयार करने की विधि का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया गया।
स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत अच्छी आदतें कार्यक्रम का आयोजन जायका संस्था के सहयोग से ममता HIMC स्वैच्छिक संस्था द्वारा शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, नगर निगम के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायतें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता अभियान का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेगा सिवनी में बच्चों के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छी आदतें स्वच्छता आधारित विषय पर इको क्लब के बच्चों ने निबंध लेखन के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। तो अक्टूबर से देखें तो लगातार ये अक्टूबर माह पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें जायका के द्वारा ममता संस्थान के माध्यम से पूरे जिले में, मध्य प्रदेश के मात्र दो जिले जिसमें छिंदवाड़ा और दमोह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वच्छता अभियान को लेकर कुछ चिन्हित विद्यालयों में गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित है। अच्छी आदतों को अपनाऊंगी, अच्छी आदतों को अपनाऊंगी, जैसे जैसे हाथों को नियमित रूप से, हाथों को नियमित रूप से, समय समय पर, समय समय पर सफाई, सफाई, शारीरिक सफाई, शारीरिक सफाई, सामाजिक दूरी, सामाजिक दूरी, उचित तरीके से मास्क का प्रयोग करना, उचित तरीके से जहाँ तक मेरी पहुँच होगी, जहाँ तक मेरी पहुँच होगी, मैं उन्हें अच्छी आदत अपनाने के लिए। सीएम ऑनलाइन प्रकरणों को लेकर बुधवार को नगर निगम में समीक्षा बैठक आयोजन किया गया, जिसमें निगम के समस्त विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। निगम उपायुक्त NS बघेल ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। जुनारदेव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बस स्टैंड पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी की, उसी के विरोध स्वरूप पुतला दहन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, गौरव सिंह ठाकुर, रानू रसेला सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।